सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अन साहब सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। एक हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल के अभी कई सारे वेरिएंट पर काम किया जा रहा है और स्पेशली अभी ब्रह्मोस मिसाइल के एक वर्टिकल डाइव वेरिएंट को डेवलप किया जा चुका है, जिसका टेस्ट बहुत ही जल्द कंडक्ट किया जाने वाला था। ये बात ब्रह्मोस के सीईओ सुधीर मिश्र जी ने भी कन्फर्म किया था कि इसी महीने के अंत तक ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वेरियंट को टेस्ट किया जाने वाला है। पहले भी ब्रह्मोस की स्टीप डाइव वेरिएंट को टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन तब सिर्फ इसे 65 डिग्री से 70 डिग्री के एंगल में टेस्ट किया गया था, लेकिन इस बार इसे 90 डिग्री के एंगल में टेस्ट किया जाएगा। एक बार ये ऑपरेशनल हो जाए उसके बाद इंडियन आर्मी के लिए माउंटेन एरिया में ये काफी मददगार साबित हो सकता है और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये परफेक्ट कैरियर किलर मिसाइल बन सकता है। अगला अपडेट इंडिया और यूएस को लेके है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया और यूएस के बीच अभी पहली बार एक ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल को कंडक्ट किया जाएगा। ये ड्रिल कब किया जाएगा इसके लिए अभी तक कोई भी स्पेसिफिक डेट अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इसे इसी साल के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में यूएस और इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों विंग्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सोर्सेज के मुताबिक इसको लेके अभी डिटेल डिस्कशन सितंबर में होने वाली 2+2 मीटिंग के दौरान किया जाने वाला है, जिसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी और डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और उनके यूएस काउंटरपार्ट के बीच किया जाने वाला है। ये ऐसी दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें दो कंट्री की तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पिछले साल भी इंडिया और रशिया के बीच ऐसे ही एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसका नाम इंदिरा 2017 रखा गया था। दोस्तों, अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी जम्मू एंड कश्मीर की दोड़ा डिस्ट्रिक्ट में करीब 17,000 सोलर लाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसे रोशनी प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा है और इनिशियली सिर्फ 5,000 घरों को सोलर लाइट्स प्रोवाइड करने के लिए एम रखा गया था। ये प्रोजेक्ट 2016 से शुरू किया गया था और इसे मुंबई की एक एनजीओ इको सोल्यूशन लीड कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को, जिनके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाया है, उनको फ्री में सोलर बेस लाइट को प्रोवाइड किया जा रहा है और ये लाइट्स एक बार चार्ज होने के बाद करीब 6 से 8 घंटे तक लाइट दे सकते हैं। अगर मैं ये कहूंगा तो काफी लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया में ऐसे करीब 100 से भी ज्यादा विलेजेस हैं जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाया है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर तक जो हमारी पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना काफी मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम चाइना को नजर में रखें तो चाइना स्पेशली अपने बॉर्डर विलेजेस पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि चाइना को ये अच्छी तरह से पता है कि किसी भी जरूरी सिचुएशन में ये विलेजेस काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया में रहने वाले सारे लोग भी इंडियंस हैं, तो उनको भी वही सब फैसिलिटीज मिलने चाहिए जो हमें मिलते हैं, और गवर्नमेंट को भी हमारे बॉर्डर विलेजेस के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से है। कल हमारे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जम्मू एंड कश्मीर के विजिट पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में तैनात किए गए हमारे ट्रूप्स की ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस और सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया था। इसी बीच एक और सीनियर आर्मी ऑफिसर की तरफ से एक मैसेज दिया गया है कि कृपया करके हमारे जवानों के ऊपर पत्थर मत फेंकिए और उन जगहों से दूर रहिए जहां पर कोई भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है। कि अगर आप जवानों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल जगह पर जाते हैं जहां पर आर्मी कोई एंटी टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहा है, तो आपको चोट लगने के साथ साथ जान जाने का भी खतरा रहता है। और आर्मी ये कभी नहीं चाहती है कि हमारे मासूम लोगों को कोई चोट आए, और जब भी आम इंसानों को चोट लगती है तो आर्मी को भी दुख होता है, क्योंकि एक बार गोली फायर हो जाने के बाद उसे रोकना पॉसिबल नहीं है या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, और गोली को भी ये पता नहीं होता है कि कौन गुनहगार है और कौन मासूम है। इसीलिए जो मासूम लोग हैं वो कृपया करके इन सारे बातों का ध्यान रखिए। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान में हुए सीरियस टेरर अटैक में करीब 150 लोगों की जान जा चुकी है। सोर्सेज के मुताबिक पिछले 3 से 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान में करीब 3 आतंकवादी हमले किए गए हैं, जिनमें 150 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। इसी बात को इंडिया की तरफ से कड़ी निंदा किया गया है और शनिवार को ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया है। इन तीनों ब्लास्ट में से सबसे बड़ा और खतरनाक ब्लास्ट फ्राइडे को बलूचिस्तान में हुआ था, जिसमें करीब 132 लोगों की मारे जाने की खबर है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है।
यूएस एयरफोर्स की तरफ से अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया है कि बोइंग की तरफ से अपनी नई KC-46 टैंकर का फ्लाइट ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। बोइंग की KC-46 टैंकर एक मल्टीरोल टैंकर है जो कि यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ यूएस की अलाइड फोर्सेज के एयरक्राफ्ट को भी रिफ्यूल कर सकता है और ये एक मिनट में करीब 400 से 1200 गैलन तक फ्यूल को ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरह की करीब 17 टैंकर्स को बोइंग की तरफ से नेक्स्ट अप्रैल तक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को डिलीवर किया जाने वाला है और इसकी डिलीवरी अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।